चीज पता चलेगी कि भाई इसने तो यहाँ पे 5 कोर्सेज ऐड कर दिए है। अब जो इसकी रैंक निकलेगी वो यहाँ पे 5 कोर्सेज के अंदर निकलेगी ना, तो ये इंक्लूड तो 5 कोर्सेज के अंदर हो रहा है, लेकिन ये करेगा कितना कोर्स, ये करने तो वाला सिर्फ एक ही कोर्स है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि तुम लोगों को पता चल ही चुका है कि यार अभी तक जो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो यहाँ पे आउट हो चुकी है। इसके बाद से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, भैया हमारी 10,000 रैंक आ रही है, 20,000 रैंक आ रही है, क्या DU मिलना भी पॉसिबल हो पाएगा, या फिर ये जो रैंक लिस्ट है किस तरीके से वर्क करती है, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या, ये सब मैं तुम लोगों को आज इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देख लो, उससे पहले तो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने ना यहाँ पे काफी सारा डेटा कलेक्ट किया, लाइक तुम लोगों को इधर दिख रहा होगा काफी सारे स्कोर्स है, काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे कैटेगरी है, एंड देन मैंने उनकी रैंक पूछी थी कि भाई रैंक कितनी आ रही है तुम्हारी, कितने मार्क्स के ऊपर। अब इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो इस फॉर्म की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तुम लोगों को भरना है तो तुम लोग भी फिलअप कर सकते हो, इससे और ज्यादा डेटा जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोग सिमुलेटेड रैंक लिस्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम इस बार देखने के लिए मिली है। सबसे पहले नो कैटेगरी रैंक। अब काफी सारे लोग समझ रहे होंगे कि यार कैटेगरी रैंक का फायदा क्या है। देखो, लास्ट ईयर जो था वो यहाँ पे कॉमन रैंक भी निकली थी, जिसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडेड थे। इसी के साथ साथ एक और चीज निकली थी जो था यहाँ पे कैटेगरी रैंक, मतलब कि ओबीसी वालों के लिए अलग, एससी वालों के लिए अलग, एसटी वालों के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, ऐसी यहाँ पे डिफरेंट रैंक्स निकली थी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ठीक है डिफरेंट रैंक्स था, बट उतना ज्यादा क्या फर्क होगा। तो देखो, मान लो यहाँ पे लास्ट ईयर जो थी ना बीकॉम ऑनर्स पे, मान लो 20,000 रैंक बनी थी किसी स्टूडेंट की, कॉमन रैंक जो थी, बट यहाँ पे ओबीसी के अंदर वही जो रैंक थी वो 2500 बन रही थी। तो ऐसे करके तुम लोग उम्मीद लगा सकते थे कि हाँ भाई अगर हम ओबीसी से है तो हमको ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार सबके लिए यहाँ पे कॉमन रैंक निकाली हुई है, कैटेगरी रैंक नहीं आई है। तो इससे एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि यहाँ पे जिन भी लोगों के पास कैटेगरी है, मान लो कोई भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो उन लोगों को एक आइडिया नहीं लग पा रहा कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर, क्योंकि निकाला तो सबका जनरल मैसेज ही जा रहा है ना। अभी यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, इन लोगों के अलग जो है वो यहाँ पे रैंक नहीं निकाली गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड रखता है। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो ये है कि भैया हमारी 10,000 रैंक आ रही है, 20,000 रैंक आ रही है, 30,000 रैंक आ रही है, इनफैक्ट काफी लोगों की तो यहाँ पे 50,000 तक भी रैंक आ रही है। तो देखो, ये यहाँ पे आनी ही थी रैंक, क्योंकि यार जितने बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया, मान लो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के अंदर 80,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो 80,000 तक रैंक जो है वो यहाँ पे बैठने वाली ही है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। बट क्या 10,000-20,000 पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये हम लोग आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ थर्ड जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे चेंज इन प्रेफरेंस। भैया हमें ये तो पता चल गया हमारी जो बीकॉम ऑनर्स में रैंक है वो 10,000 आ गई है, क्या हमें अपनी प्रेफरेंस शीट को चेंज करना चाहिए, हमें प्रेफरेंस शीट में क्या करना चाहिए, तो ये सब आज हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ना एक डेटा आया था, लाइक नंबर 1 का डेटा है मेरे पास, सीयूईटी स्कोर इसका 582 था, एंड इसके पास यहाँ पे जो रैंक थी वो कुछ इस तरीके से है। चलो मैं तुम्हें एक बार अच्छे से इसको शो करके दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पे जो स्कोर था ये आया यहाँ पे 582 out of 800, मतलब कि 800 में से यहाँ पे 582 मार्क्स आए हैं। इसी के साथ साथ अब हम रैंक की बात करें तो रैंक यहाँ पे क्या आई है, तो देखो रैंक यहाँ पे आई है बीकॉम प्रोग्राम 19,000, इसके बाद बीकॉम ऑनर्स 22,500, मतलब कि 22,000 रैंक आ रही है। अब एक चीज तो इससे क्लियर हो गया कि जो ऑनर्स के कोर्सेज है ना उनमें प्रोग्राम के कोर्सेज के कंपैरिजन में ज्यादा रैंक बन रही है, मतलब कि ऑनर्स के जो कोर्सेज है उसके अंदर जो कंपटीशन है वो ज्यादा ही हैवी है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे थर्ड चीज जो देखने के लिए मिली है प्रेफरेंस, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा वियर्ड प्रेफरेंसेस बना रखी है। मैं इधर दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे सबका डेटा लिया था ये देखने के लिए कि भाई तुम लोगों ने आखिर प्रेफरेंस कैसे बनाई है, कोई मेजर मिस्टेक होगी तो मैं वो यहाँ पे एड्रेस कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस शीट देखने के लिए मिली, एंड मैं नंबर 1 की दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नंबर 1 जो स्टूडेंट था ना उसकी प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से है, लाइक मैं दिखाता हूँ। नंबर 1 पे इसने रखा है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को, जो कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट बीकॉम ऑनर्स इसने रखा है यहाँ पे केशव महाविद्यालय तक। तो यहाँ पे केशव महाविद्यालय तक मतलब 22 नंबर तक इसने यहाँ पे रख दिया केशव महाविद्यालय का बीकॉम ऑनर्स। इसके बाद से इसने यहाँ पे स्टार्ट किया है बीकॉम। चलो भाई यहाँ पे इसने चलो मान लिया कि इसने यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिए कुछ कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम इसने ये की कि इसने बीकॉम ऑनर्स के सारे कॉलेजेस पहले रख दिए, देन इसने बीकॉम के रखे हैं, देन इसने फिर से बीकॉम ऑनर्स के कुछ कॉलेजेस रख दिए जो कि यहाँ पे थोड़े थोड़े से बेकार। बट ऐसा नहीं करना होता, तुम लोगों को यहाँ पे सारे जितने भी प्रेफरेंसेस हैं वो मिक्स करनी होती है। प्रेफरेंसेस में बहुत ज्यादा मिस्टेक है, मैं ट्राई करूंगा कि आज के दिन में ही एक और वीडियो लेके आ जाऊं इसके ऊपर प्रेफरेंसेस में जो भी मिस्टेक है, ताकि तुम लोग जल्दी से यहाँ पे जो है वो ठीक कर लो इस मिस्टेक्स को। तो इसलिए कह रहा हूं चैनल पे जरूर से बने रहना। बाकी चलो प्रेफरेंस को फिलहाल साइड करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे रैंक्स की बात करते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके की रैंक लिस्ट आई है, कॉमन स्टिमुलेटेड रैंक लिस्ट। अब इसके अंदर यहाँ पे रैंक्स दिख रही होगी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक एक कोर्स भी फिल किया, लाइक इस स्टूडेंट ने एक कोर्स फिल किया तो एक का दिख रहा होगा, यहाँ पे
पे एक ने दो फिल किए, तो यहाँ पे दो रैंक्स दिख रही है। अब काफी सारे जो लोग है ना, उन्होंने यहाँ पे प्रेफरेंस में बहुत सारे कोर्सेज ऐड कर दिए। लाइक इस स्टूडेंट ने यहाँ पे 32 प्रेफरेंसेज ऐड किया, तो इसको 32 की ही रैंक देखने के लिए मिल गई। अब एक चीज ध्यान में रखो, ऐसा नहीं है कि किसी में तुम्हारी रैंक यहाँ पे 1000 बन रही है एंड किसी में तुम्हारी रैंक 5000 बन रही है, तो 1000 वाली बेटर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि सीट्स कितनी अवेलेबल है, तो ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पता कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो गूगल में आ जाना, एंड गूगल में आके सिंपल सा ये सर्च मार लेना, डीयू बीकॉम ऑनर्स सीट मैट्रिक्स। मान लो मेरे को यहाँ पे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स का जानना है, मेरे को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स ही टारगेट करना था, तो यहाँ पे पहली जो वेबसाइट आएगी ना, जस्ट इस पे क्लिक कर देना, इसके अंदर पूरा डेटा है। तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का सीट मैट्रिक्स खुल गया कि भैया किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के अंदर 71 सीटें अवेलेबल है। तो मतलब कि यहाँ पे अब मैं पूरे जो जितने भी यहाँ पे जो कोर्सेज है वो सारे के सारे कैलकुलेट करने वाला हूँ। लाइक जितने भी कॉलेजेस है उनके अंदर जितनी भी सीट्स है वो सब यहाँ पे कैलकुलेट होगी, एंड ये सब कैलकुलेट होने के बाद मैं यहाँ पे अंदाजा लगाऊंगा कि यार मेरी रैंक कितनी बन रही है। चलो उससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पे चिंटू है। अब जो चिंटू है इसको यहाँ पे एक कोर्स के लिए जाना है। अब तुम लोगों को पता ही होगा कि सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे एक कोर्स के लिए ही जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब कि तुम लोग कितने भी कोर्सेज फिलअप करो, तुम्हें मिलेगा तो एक ही कोर्स ना जिसके अंदर तुम लोग एडमिशन लोगे। तो मान लो चिंटू ने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, इसके अंदर इसने इंक्लूड किया फिजिक्स ऑनर्स, इसके अंदर इसने इंक्लूड कर दिया केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। अब जो चिंटू है उसको जाना यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के अंदर ही है, लेकिन उसको पता है कि भैया यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाती है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के अंदर सीट्स कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिजिक्स भी इंक्लूड कर लेता हूँ, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स भी, स्टैट्स भी। अब अगर तुम लोग ये कैलकुलेट करने बैठोगे तो एक चीज पता चलेगी कि भाई इसने तो यहाँ पे 5 कोर्सेज ऐड कर दिए है। अब जो इसकी रैंक निकलेगी वो यहाँ पे 5 कोर्सेज के अंदर निकलेगी ना, तो ये इंक्लूड तो 5 कोर्सेज के अंदर हो रहा है, लेकिन ये करेगा कितना कोर्स? ये करने तो वाला सिर्फ एक ही कोर्स है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी 10,000 रैंक आ रही है बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्स के अंदर तो फिर तुम लोगों को कोई भी कॉलेज एलोकेट नहीं होगा। भाई एक जो स्टूडेंट होता है ना, उसने 3, 4, 5, 6 बहुत सारे यहाँ पे जो कोर्सेज है फिलअप किए होते हैं, बट जबकि उसे करना क्या है, सिर्फ एक कोर्स करना है। तो इसलिए ये चीज अच्छे से ध्यान में रखो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक जैसे कोर्सेज नहीं फिलअप किए होते, उन्होंने अलग अलग कोर्सेज फिलअप किए होते हैं। चलो इसके बाद थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। अब चिंटू की बात तो थी, अब यहाँ पे बात करते हैं पिंटू की। अब पिंटू को यहाँ पे जाना है बीकॉम ऑनर्स के लिए, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। इसके अंदर इसकी रैंक आ रही है जी 10,540, मतलब कि इतनी ज्यादा रैंक आ रही है यहाँ पे 10,540। इसके बाद यहाँ पे इसने चेक किया कि यार बीकॉम ऑनर्स में सीट्स कितनी है, तो इसने यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस थे ना उसमें यहाँ पे सीट कैलकुलेट किया, एंड इसको पता चला कि भैया जनरल के अंदर यहाँ पे सिर्फ 3,000 सीट्स है डीयू के अंदर, मतलब कि 3,000 सीट्स यहाँ पे डीयू के अंदर है जनरल की। अब इसके अलावा यहाँ पे 10,000 जो थी इसकी रैंक आ गई, तो इसका ये मतलब बनता है कि भैया इसको तो यहाँ पे कोई कॉलेज मिल ही नहीं सकता। बट क्या ये सच है कि इसको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा? देखो ऐसा नहीं होता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब मान लो जैसे पिंटू ही था, तो पिंटू को यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए जाना था, लेकिन इसने फिलअप क्या कर दिया, इसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी भर दिया, बीबीए, बीएमएस, बीबीई ये कोर्सेज भी भर दिया, एंड बीकॉम प्रोग्राम भी भर दिया। ज्यादातर कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है वो ये सारे कोर्सेज डालते ही अपनी प्रेफरेंस के अंदर, तो 4-5 जो कोर्सेज है वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं इसी के अंदर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो यहाँ पे पर पर्सन ने यहाँ पे 3 कोर्सेज तो इंक्लूड किए ही होंगे अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे सीट मैट्रिक्स निकलता है। सीट मैट्रिक्स में तुम लोगों को ये पता करना है कि भैया सीट्स कितनी है यहाँ पे। अब इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, रैंक जो था ना उससे अपने डिवाइड कर लो। लाइक मैं तुम लोगों को एक बार अच्छे से प्रोसेस करके बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोला, मैं तुम्हें एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो किसी स्टूडेंट की यहाँ पे 6,000 रैंक आ रही है, मान लो मैंने 6,000 डाल दिया, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, क्योंकि मेरे को पता है कि यार मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है ना उन्होंने यहाँ पे 3 कोर्सेज तो अपने डाले होंगे प्रेफरेंस शीट के अंदर। अब वो तीनों कोर्सेज के लिए तो जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो एक कोर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करता हूँ, एंड अभी यहाँ पे जो नंबर निकल के आ रहा है वो है यहाँ पे 2,000। मतलब कि यार अभी भी मेरे पास चांस है कि मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3,000 सीट है बीकॉम ऑनर्स की, एंड यहाँ पे जो फिगर निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 2,000 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे को जो कॉलेज है वो एलोकेट हो सकता है। एंड इसी तरीके से तुम लोगों को कैलकुलेट करना है बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जिन भी यहाँ पे कोर्सेज में 3,000, 4,000, 5,000 सीट है उसके अंदर, तो ये समझ के चलो कि यहाँ पे 10,000 तक अगर तुम्हारी रैंक आ रही है तो तुम लोग बिल्कुल ही सेफ हो। 15,000 के ऊपर जा रही है तो मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा बैकअप ऑप्शन जरूर से बना के चलो। एंड ये जितनी भी रैंक्स मैं बता रहा हूं ना कैटेगरी वालों के लिए नहीं है भाई, कैटेगरी वालों को यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत ज्यादा उनकी कम रैंक आ जाती है जब भी वो कैटेगरी रैंक निकलती है, तो तुम लोगों के पास एक एडवांटेज है। ये जो बात हो रही है यहाँ पे जनरल कैटेगरी वालों के लिए थी, तो बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक। मेरे को तुम्हें सिर्फ इसमें इतना ही एक्सप्लेन करना था कि किस तरीके से यहाँ पे रैंक का सिस्टम चलता है। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अगर 10,000
भी रैंक आ रही है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, बट वो लोग जाएंगे किसमें, सिर्फ एक कोर्स के अंदर। तो उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है जितना ज्यादा तुम लोग समझ के चल रहे हो। बाकी ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक, रेफरेंसेस की वीडियो में जल्दी शूट करने का इंतजाम करता हूँ, तो चैनल पर जरूर से बने रहना। ये वाली वीडियो रहेगी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।